हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं एज यूजुअल मैं अपनी दिन की शुरुआत छत पे आके और ये पंछियों की आवाज़ सुन के कर रही हूँ। देख रहे हैं आप चिड़ियाँ कितनी अच्छे से चीची कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं छत पे आ गई हूँ। आजकल मेरी यहाँ पे 4 बजे ही नींद खुल जा रही है। सुबह सुबह 4 बजे अंधेरा ही रहता है, सब सोते ही रहते हैं, मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं जाके फ्रेश वगैरह होके छत पे आके थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा योगा कर लेती हूँ और अनुलोम विलोम किया भी मैंने थोड़ा सा, तो ये सब कर लेती हूँ। फिर थोड़ा टाइम होगा तो मैं नीचे जाऊँगी, फिर नहाना धोना होगा। तो यही सब हो रहा है। गांव में आने के बाद ना आपका रूटीन एकदम सुधर जाता है, जो बिगड़ा हुआ होता है ना शहरों में रहने पे। 8 बजे सो के उठते हैं तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। कुछ करना नहीं पड़ता मुझे, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता मुझे, कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी मैं उठ जाती हूँ। 4 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और ना मुझे यूँ लगता है कि मुझे और सोना है, आलस आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वहाँ पे तो अगर 7 बजे ही उठते तो लगता था अभी 1 घंटा और सो लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम अच्छी चल रही हैं। तो यहाँ पे आने के बाद तो मेरी डॉक्टर का भी रूटीन सुधर गया है, वो भी अच्छे से टाइम से सोने लग गई है। वरना वो पूरी पूरी रात जगती रह जाती थी, खेलती रहती, मोबाइल देखती रहती, कुछ भी करती रहती, उसको रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि दिन में सो लेती थी। अब यहाँ दिन में बच्चों के साथ खेलती है, दिन भर थक जाती है इतने बड़े घर में घूमते घूमते, तो वो शाम होते ही मतलब 9-10 बजे खाना खा के अपने टाइम से सो जाती है। तो उसका भी रूटीन सुधर गया यहाँ पे आके। तो यही सब हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाँव में। और चलिए तो फिर मैं चलती हूँ नीचे और कुछ काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब हम लोग दिल्ली से आए थे तो हम बाइक पे सिर्फ 3 लोग नहीं, हम 5 लोग लेके आए थे। और 2 लोगों से मैंने अभी आपको मिलाया नहीं है, तो मैं भी नीचे चल रही हूँ तो मैं आप लोगों को उन 2 लोगों से भी मिलाऊँगी। तो हम लोग कैसे 5 लोग आए और कैसे उनको हम अपने साथ बाइक पर लेके आए, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि वो 2 लोग कौन हैं और वो हमारे साथ क्यों आए और कैसे आए। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक कांच का जार है और इसके अंदर ही ये देखिए, ये 2 ध्रुही के पेट्स हैं, 2 फिशेस हैं हमारे पास। तो ये दोनों को ही हम दिल्ली से साथ में लेके आए हैं क्योंकि वहाँ पे हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, वहाँ पे फिर ये दिन बिना दाना पानी के मर जाती, तो इसलिए हमें इनको लाना पड़ा। और अभी मैं जा रही हूँ इसका पानी चेंज करने। ये मेरा जो एक्वेरियम है ये जार वाला है, तो हर 2 दिन में इसका पानी चेंज करना पड़ता है। ये सब इसमें शिट वगैरह कर देती हैं फिश, तो ये साफ़ करना पड़ता है। तो अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि फिर हम लोगों ने इनको लाने के लिए एक बॉटल, 1 लीटर वाली जो पानी की बॉटल होती है, उसमें पानी भर के और दोनों फिश को उसमें डाल के, और जो बैग का साइड वाला जो नेट वाला पॉकेट नहीं होता उसमें ही हमने इनको रखा। और रास्ते भर हम इनको देखते हुए और इस तरीके से केयर करते हुए इनको लेके आए, और जहाँ जहाँ हम रुके वहाँ वहाँ हमने इनको भी दाना डाला। और फिर पानी, अगर दोपहर में लू और धूप की वजह से पानी भी इनकी बॉटल का गर्म हो रहा था, तो जगह जगह पे हमने इनका हैंडपम्प वगैरह मिलता गया तो हम इस पर पानी भी चेंज करते गए, ठंडा पानी थोड़ा डालते गए। तो इस तरीके से इनकी देखभाल करते हुए हम बाइक पे इन्हें भी अपने साथ ले आए थे क्योंकि वहाँ हम इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते थे लॉकडाउन में। तो ये देखिए, ये दोनों को मैंने इस बकेट में रखा है ताकि ये जब तक मैं क्लीनिंग करूँ तब तक ये बकेट में सुरक्षित रहें, ज़िंदा रहें, वरना अपना पानी के ये मर जाएंगी। तो ये देखिए, इनके अंदर ये जो स्टोन वगैरह था ये भी हम इनको एक पन्नी में बांध के, और ये जो अंदर जार के अंदर रखने के लिए प्लांट वगैरह है ये भी हम लेते आए थे। तो स्टोन भी मैं क्लीन कर रही हूँ, ये सब बहुत चिपचिपे से हो गए हैं पानी में रखे रखे, तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। उसके बाद हम इन सारे स्टोन को इस जार के नीचे अंदर डाल देंगे बॉटल में, इससे जो
फिश को उसका अपना घर का माहौल, उसको लगेगा कि जैसे वो तालाब वगैरह में रहते हैं, तो उस तरीके का फील आएगा उनको। तो इस तरीके से मैं इसमें अब पानी डाल दे रही हूँ। ये पानी देखिए मैंने डाल दिया है, अब मैं फिश को भी इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये दो द्रोही की पेट हैं, द्रोही ने इनको पाला है और द्रोही ने इनका नाम भी रखा है। एक का नाम, दोनों वाइट हैं, पहले ये तीन थी बट एक गोल्डन कलर की जो थी वो मर गई, पता नहीं कैसे ही पानी में ही एक दिन अचानक से वो मर गई थी। तो अभी दो ही बची हैं, तो द्रोही ने इसका नाम रखा है, एक का नाम है रशु और एक का नाम है चिकलू। तो जो रशु है उसका फुल नेम रसभरी है, और जो मर गई उसका नाम गोल्डी था क्योंकि वो गोल्डन कलर की थी और वो बहुत इन दोनों से भी ज़्यादा एक्टिव थी, दिन भर तैरती रहती थी। और उसके बहुत सारे मतलब जो पंख से जो गिल्स होते ना इनके, वो बहुत बड़े बड़े से उसके अच्छे से थे, तो वो दिन भर पानी में खेलती रहती थी, बट वो ही मर गई थी। अभी ये दो ही हैं तो हम इनको दो को ही लेके चले आए हैं। तो ये देखिए पानी के अंदर मैंने इन्हें डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप। चिकलू और रशु दोनों दिखने में एक ही जैसी हैं, बट दोनों की पहचान करनी हो आपको तो आप देख सकते हैं, जो चिकलू है थोड़ी एक्टिव है और रशु है वो थोड़ी सुस्त सी है। तो वो एकदम पानी में नीचे नीचे ही रहती है, ऊपर ज़्यादा नहीं आती, जब भूख लगती है तो दाना लेने ही आती है ऊपर। और जो चिकलू है वो थोड़ा घूमती रहती है अच्छे से। तो ये देखिए इन दोनों का मैंने घर साफ कर दिया है। तो ये देखिए मैंने इनको रूम में एक रैक है इसके ऊपर ही मैंने ऐसे रख दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये देखिए डांसिंग कर रही है अपनी गिल्स हिला के, अच्छे से खुश हो गई है फ्रेश पानी में। तो अभी मैं थोड़ा सा दाना डाल दूंगी इनका। तो ये देखिए मेरे हाथ में ये है फिश फूड, और ये सुबह शाम में इनको डाल देती हूँ खाने के लिए, दो चुटकी सुबह और दो चुटकी शाम को। तो बस यही इनका खाना है। और फिर ये देखिए इनका शुरू हो गया है घूमना घुमाना, इसी में घूमती रहती हैं दिन भर इसी तरीके से, और हम लोग इनको देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखना। तो ये जो आप ये बरनी देख रहे हैं, कांच वाली जो अचार की बरनी होती है वही है, क्योंकि जार हम ला नहीं सकते थे इतनी दूर से, तो यहाँ पे इनको इसी में रखा है हमने। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, तो कितना क्लीन और अच्छा दिख रहा है। देखिए चिकलू एकदम ऊपर तैर रही है और रशु एकदम नीचे बैठी हुई है चुपचाप। तो यहाँ पे मैंने इनका पानी चेंज कर दिया है और ये कितनी अच्छी दिख रही हैं। और ये स्टोन के कलर देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, रंग बिरंगे। तो यही दो लोग को हम इलाहाबाद लेके आए हैं दिल्ली से अपने साथ, हमारी बाइक के साथ साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरी माता जी मतलब मेरी सासू माँ जा रही हैं चटनी बनाने, पुदीने की खट्टी मीठी चटनी। तो मैंने आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स अलग से नहीं दिखा पाई हूँ, मैं अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं क्वारंटाइन में हूँ और मैं खाना वगैरह बना नहीं रही हूँ, तो मम्मी ने सारी चीज़ें एक साथ लेके और पीसने बैठ गई हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें आम है, कच्चे आम, पुदीने की पत्तियाँ, दो हरी मिर्चें, थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा, नमक, चीनी और 4-5 लहसुन की कलियाँ। तो ये सब चीज़ें लेके मम्मी उसको पहले कूट ले रही हैं सिल के ऊपर, ताकि इनको पीसने में आसानी रहेगी, इनके छोटे पीसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इसे कूट लिया है, अब यहीं से पीसना शुरू कर रही हैं। तो इनको पहले रफली पीसा जाएगा थोड़ा मोटा मोटा ही, फिर दोबारा से इनको एक बार और पीस के इनका फाइन पेस्ट मतलब बना लिया जाता है एकदम चटनी। तो वही देखिए मम्मी पीस रही हैं। आप इसमें चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, और गुड़ से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो चीनी किससे भी आता है पर गुड़ का एक अलग स्वाद होता है, तो गुड़ वाली भी चटनी बनती है खट्टी मीठी। तो ये देखिए कितना अच्छा सिल की जो चटनी होती है उसका जो स्वाद होता है एकदम अलग ही होता है। आप मिक्सी में कितना भी बना लो बट वो टेस्ट नहीं आता जो सिलबट्टे का आता है। सिलबट्टे पे पत्थर के रगड़ने से जो उसमें एक सोंधापन आ जाता है ना, वो मिक्सर में नहीं आ पाता। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सर में बना सकते हैं, सारी चीज़ें डाल के मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते हैं,
और वो भी टेस्ट अच्छा ही लगता है। बट अगर आपके पास सिल है तो आप सिल पे ज़रूर पीस के देखिएगा, बहुत अच्छी चटनी बनती है इसकी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने लगभग चटनी सारी पीस ही ली है, तो मम्मी इसको पीस के और फिर इसको एक बार और फाइन पेस्ट कर लेंगी। और जब मैं कुकिंग करने लग जाऊंगी, किचन में आ जाऊंगी क्वारंटाइन पूरा होने के बाद, तो मैं भी सिल पे ही चटनी बनाऊंगी। और मिक्सर होते हुए भी मम्मी इसको सिल पे ही प्रेफर करती हैं पीसना, क्योंकि इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से देखिए चटनी पीस गई है। अब इसको मम्मी एक बार हल्का सा और पीस के फिर इसको एक कटोरी में उठा लेंगी, और फिर गांव में जो होता है जो सिलबट्टा होता है उसको पीस के चटनी वगैरह कुछ भी मसाले पीसने के बाद तुरंत उसको धो के उठा दिया जाता है। तो मम्मी भी ऐसा करती हैं, गांव में बोला जाता है कि अगर आपने सिल तुरंत नहीं उठाई तो सिल आपको गाली देती है। तो ऐसा है या नहीं है पता नहीं, बट मान्यताएँ हैं पहले की, और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये भी लगता है कि तुरंत जो भी सिल को बिछाए तुरंत धो के और रख दे तो इससे क्लीनिंग भी तुरंत हो जाएगी और किसी के पैरों में ठोकर भी नहीं लगेगी सिल की। तो इस तरीके से इसका रीज़न हो सकता है कि तुरंत जो भी इसको पीसे और तुरंत उसको खड़ा कर दे। तो इस तरीके से देखिए मम्मी ने चटनी पीस ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।